टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में फॉर्म में वापसी कर ली है। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ईशान किशन लगातार आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 89 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल इस मैच में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 89 रन की पारी ईशान किशन ने खेली। इसके साथ ही वो एक टी20 में भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पंत ने बतौर विकेटकीपर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 65 रन बनाए थे। ईशान किशन 56 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने आउट किया था। दरअसल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इनका क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 62 रन से हरा दिया। वहीं भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंका को 200 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन ने 71 गेंदों में 111 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। दरअसल ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 89 रन बनाए थे। वहीं सुरेश अय्यर ने 28 गेंदों में 57 रन की नाबाद पारी खेली। श्रीलंका की ओर से लाहिरू कुमारा और कप्तान दासुन सनाका ने 1-1 विकेट लिए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने अपने दबाव में बनाए रखा। टीम की सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और बल्लेबाज निशांका भुवनेश्वर के ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं दूसरे बल्लेबाज कमील मिसारा को भी गेंदबाज ने अपने ओवर में निशाना बनाया और वो कप्तान रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जनीत लियानागे ने 17 गेंदों में 11 रन बनाए और गेंदबाज वेंकटेश अय्यर के ओवर में सैमसन को कैच दे बैठे। वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज चरित आसलंका ने 47 गेंदों में नाबाद 8 शतक लगाते हुए 5 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। आसलंका इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा उठाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। वहीं दिनेश चंडीमाल, दासुन सनाका और चमिका और दुष्यमांथा चमीरा ने नाबाद 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन बनाए। दोस्तों कल के मैच को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।